यूपी में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में 30 केस सामने आ चुके हैं, जिसका असर आगरा में भी दिखाई देने लगा है। आगरा की दवा मार्केट में लोग ब्लैक फंगस की दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से मेडिकल बाजार में भीड़ उमड़ती थी रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए, और उस समय लोग उस इंजेक्शन को पाने के लिए ब्लैक में भी खरीदते थे और बाज़ारों में मेडिकल की दुकानों पर लोग पहुंचकर उस इंजेक्शन की तलाश करते थे। यही कुछ नज़ारा इस समय आगरा के दवा मार्केट में बना हुआ है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इंजेक्शन है उसको लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पूछताछ करने भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं मेडिकल की दुकानों पर कि इंजेक्शन है कि नहीं। और यहाँ पर जब स्टॉक नहीं मिलता है तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। तमाम मेडिकल की दवा की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हम दिखा रहे हैं लगातार, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेडिकल की दुकानदारों से एक बार पूछ लेते हैं कि उन पर है। नहीं, इसको अवेलेबल नहीं है। पिछले 3-4 दिन से बहुत लोग पूछने आ रहे हैं इसके बारे में, मिल नहीं पा रहा है। ये मेडिकल दुकानदार हैं और यहाँ पर भी लोग इनसे पूछने के लिए आते हैं। एक दुकान पर और चलते हैं और वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपके पास ब्लैक फंगस को लेकर इंजेक्शन है क्या? सर, पीछे से माल ही नहीं आ रहा है, ना कोई इंजेक्शन मिल रहा है पीछे से। जब से इन्फेक्शन दोबारा से चालू हुआ है, जब से किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन आ ही नहीं रहा है, सब शॉर्ट चल रहे हैं पीछे से। लेकिन कस्टमर की डिमांड इतनी है कि जिसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं पर भी एम्फोपैक्स इंजेक्शन नहीं है, और जिसकी तलाश रेमडेसिविर की तरह आज आम जनता कर रही है, जगह जगह पहुंच रही है। तमाम बाज़ार जो हमारे हैं, मेडिकल की दुकानें हैं, वहां पर दवाई उपलब्ध नहीं है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आगरा में कोई भी ब्लैक फंगस का केस नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानों पर भीड़ ये साबित कर देती है कि लोग अपनों को बचाने के लिए पहले से ही इंजेक्शन की तलाश में अब दुकान पर पहुँचना शुरू कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।